हे गाइस, स्वागत है आप सबका पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हम लोग आ चुके थे स्पाइक मोड सिटी में। इस सिटी में आना वैसे तो इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत हार्ड है, बट हमने हमारी फ्रेंड मारनी को हरा के यहाँ पे आ चुके थे। एंड एज वेल एज एक मिनट, अच्छा सॉरी, वो गेम फास्ट फॉरवर्ड में था तो मैंने लास्ट एपिसोड में किया था वो भूल ही गया था नॉर्मल करना, ठीक है। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग आ चुके थे स्पाइक मोड सिटी में, एज वेल एज हम लोगों ने इधर जो भी ये ग्रंट्स थे इनको हरा दिया था। एंड आई गेस यहाँ पे एक जिम भी है जो कि हम लोग आज के एपिसोड में जिम बैटल को चैलेंज करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे रास्ता है, ओके यहाँ से मैं टेलीपोर्ट हो सकता हूँ आई गेस सो, बट यहाँ पे जाली जैसा कुछ तो है, बट ठीक है कोई बात नहीं। अ हिंट, यू कैन ओपन डोर्स विद अ कार्ड की। ओके, हम लोगों को यहाँ पे कार्ड की ज़रूरत होगी। आई डोंट नो, इन लोगों को मैंने लास्ट एपिसोड में हरा दिया था। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे मारनी भी खड़ी है। और देखा जाए तो गाइज टीम येल के जैसे ही कपड़े होते हैं मारनी के, तो आई गेस सो टीम येल के हिस्सा हो गई, मतलब मारनी जो है वो टीम येल के हिस्सा हो गया। आई डोंट नो, ओके हम लोगों इन लोगों ने अपने को नोटिस कर लिया। सो यू आर फाइनली हियर, सी आई एम नॉट रियली अ ग्रेट जिम लीडर। ओके, तो ये जिम लीडर ही है। ओके, आई फिगर दैट वॉज वाई नो वन वॉज कमिंग टू चैलेंज मी। आई हैव गुड ईयर्स, सो आई हर्ड दैट होल थिंग अबाउट द सिटी बींग क्लोज। ओके, वेन आई वॉज अलोन इट वॉज लाइक माई सोल वॉज क्राइंग। This is a simple gym stadium. We can't even use Zynamax in our Pokemon. But well, I still hope you enjoy the battle. So now, okay, तो यहाँ पे ये लोग डायनामिक्स भी यूज़ नहीं करते अपने इसमें। इसका नाम है पायर्स। ओके, पायर्स नाम है उसका। आई गेस ये लड़का लड़की, आई डोंट नो, मैं बोलूँगा नहीं अभी क्योंकि थंबनेल में बाद में पता चलेगा कि ये लड़का या फिर लड़की निकलेगा, फिर मेरे को यह बुरा लगेगा, इसलिए हम लोग इसको मतलब लड़का लड़की कोई भी नहीं बोलेंगे। आई एम द स्पाइक मोड सिटी जिम लीडर पायर्स, डार्क टाइप जिम लीडर। ओके, डार्क टाइप जिम लीडर है। एंड मेरे दिखाता हूँ मैंने टीम में क्या क्या चेंजेस किए। डू यू वॉन्ट टू चैलेंज मी इवन नोइंग यू विल लूज, देन दिस म्यूजिक इज़ फॉर यू। कूल कोच, सो प्रिपेयर फॉर अ व्हील पंक विथ मी। ओके, एंड माई स्टाफ स्पाइक मोड एंड टाइम टू ट्रैक। ओके ओके, लड़की है, लड़की है, इसका नाम पायर्स है और एक लड़की है। मतलब मेरे को स्टार्टिंग में लड़का लड़की पता नहीं चल रहा था, बट ये एक लड़की है। ओके, इसके पोकेमोन, हाँ मैंने गाइस मेरे पोकेमोन के साथ थोड़ी सी ट्रेनिंग भी की है। एंड हाँ, मैं आपको पहले तो मेरी टीम दिखा देता हूँ। हमारे पास वही टीम है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सबके साथ मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग की और दो दो लेवल सबके इंक्रीज़ करा दिए मैंने। एक के साथ करो फिर दो, मतलब इस गेम में एक बात अच्छी है ना कि अगर एक पोकेमोन के साथ बैटल होती है करते हो तो ऑटोमेटिकली बाकी लोगों को भी सेम एक्सपीरियंस मिल जाता है। एज़ वेल एज़ मैंने कुछ पोकेमोन को नए नए मूव्स भी सिखाए हैं, जैसे कि आप लोगों ने मेरे को लास्ट एपिसोड में कमेंट करके बता ही दिया था, तो उसके लिए सब लोगों को थैंक यू। आप ऐसे ही कमेंट करते रहना और आप लोग मेरे को इस जर्नी में मदद करते रहना, और क्या बोल सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे एक फाइटिंग एंड ये आई गेस कौन सा डार्क टाइप पोकेमोन है, तो इसके लिए हमारी हमारे पास तो कुछ अटैक तो नहीं है फिलहाल, तो मैं इसको छोड़ो, इसको मैं नहीं मेगा करने वाला। हम लोग इसके ऊपर अर्थक्विक भी मैंने जो सिखा के रखा है वो यूज़ करके देखते हैं। होपफुली थोड़ा डैमेज तो देना ही चाहिए, अरे यार बहुत कम डैमेज दिया। एक काम कर सकता हूँ मैं, इसके सामने हमारे कॉर्विनेट को ला सकता हूँ। कॉर्विनेट इसके सामने ये रखता है ना, एडवांटेज रखता है, वही तो। हाँ, हम लोगों को कॉर्विनेट के साथ स्टार्टिंग करना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं, शायद से अभी ओके। स्केरी फेस से हमारे कॉर्विनेट की भी ये लोगों ने स्पीड गिरा दी, बट ठीक है, इतना स्केर करके क्या ही कर लोगे तुम लोग। लेट्स गो, ओ स्वाइगर से, अरे यार मतलब कंफ्यूज कर दिया, बट ठीक है, हमें भरोसा है कि हमारा कॉर्विनेट कंफ्यूजन में खुद को नहीं मारेगा। लेट्स सी ब्रो, प्लीज़ हिट कर दे ब्रो। नहीं अरे यार, लड़की है तू, सॉरी मैं तेरे को ब्रो बोला इसलिए तेरे को गुस्सा आया। ले अब तू मेगा इवॉल्व हो जा हमारी कॉर्विनेट, और इसको दिखा दे कि तू कौन है। मेगा नहीं, डायनामिक्स होगा। आई नो, मैं मेगा इवॉल्व गलती से बोल दिया गाइस। हमारी छोरी कॉर्विनाइट डायनामिक्स बन चुकी है और ब्रिक ब्रेक यूज़ कर रही है हमारे ऊपर ये। प्लीज़ कन्फ्यूजन से बाहर निकल जा प्लीज़। वैसे मेरे पास ओके, इसका काम ख़त्म हो गया, मेरे को लगा ही था। एक तो डायनामिक्स हुआ हमारी कॉर्विनाइट, और फिर तू ऐसा अटैक करेगा फिर उसको गुस्सा नहीं आएगा। देखो सबको सेम एक्सपीरियंस मिल रहा है, इस गेम की यही खासी बात है। ये कौन है मालमार, आई डोंट नो, ये इसका नाम तो मैं कहीं सुना लग रहा है, बट हम लोग ऑब्स्टेगुन के साथ जाएंगे क्योंकि मैंने हमारे ऑब्स्टेगुन को एक अटैक सिखाया है जो डार्क टाइप के ऊपर सुपर इफेक्टिव हो सकता है। थैंक्स टू यू गाइस, आप लोगों ने मेरे को ये ओके
आई डोंट नो इसके ऊपर ब्रिक ब्रेक काम करेगा कि नहीं, हम लोग बस ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बोला था इसका डार्क टाइप जिम लीडर है, झूठ बोला, इसका डार्क टाइप है ही नहीं। मालमार कौन से टाइप का है पोकेमोन, आई डोंट नो। लेट्स यू डार्क पल्स, होपफुली कुछ तो सुपर इफेक्टिव। चलो इसके अगेंस्ट कुछ भी सुपर इफेक्टिव नहीं है, बस ये अपना डिफेंस बढ़ा रही है, बट ठीक है, अभी हमारा एक डार्क पल्स और इसका काम तमाम हो जाएगा आई गेस सो। और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ये तो बोल ही रही थी पायर्स, बोल ही रही थी कि मैं डायनामिक्स भी यूज़ नहीं करती। तो उसके दो पोकेमोन तो हमने ईजिली हरा दिए, बहुत ईजिली, सबको देखो सेम एक्सपीरियंस मिल रहा है। ओ ड्रैपियन, ड्रैपियन हमको पता है वो बिच्छू जैसा पोकेमोन, तो वो एक पॉइजन टाइप पोकेमोन है, तो उसका डार्क टाइप से रिलेशन ही क्या है, झूठ क्यों बोलती है आई डोंट नो। और डार्क टाइप के लिए, पॉइजन टाइप के लिए मेरे पास एक पोकेमोन है और एक मूव भी है, आपको तो आई गेस आप लोगों को तो पता चल ही रहेगा, वो अर्थक्वेक है, क्योंकि पॉइजन टाइप के ऊपर ग्राउंड टाइप काफ़ी सुपर इफेक्टिव होते हैं, एज वेल एज साइकिक टाइप भी सुपर इफेक्टिव होते हैं। अरे रे, अगर इसको मैं डायनामिक्स कर लेता, बट ठीक है टॉक्सिक, अरे यार ठीक है, मतलब रस्सी जल गई बट बल नहीं गया, ऐसे बोल सकते हो। ओके मैं तेरे को कुछ भी करके फैंड तो करा के रहूँगा, हाइपर पोशन यूज़ कर ले हम लोग, हमारे पास कुछ ना कुछ तो हीलिंग के लिए होना ही चाहिए। मेरे सामने इसका कोई चांस तो नहीं लग रहा है, बट ठीक है फिर भी ट्राई कर रही है बेचारी, तो हम लोगों को उसको ये देना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए उसका। एंड हाँ गाइज, आज मैं मतलब दांत लगा के 2 दिन हो चुके हैं, आज दूसरा दिन है, एंड आज मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब जो प्रॉब्लम कल आ रही थी, कल फेस हो रही थी वो तोतला बोलने वाली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो अभी नहीं फील हो रही है, क्योंकि अब मैं ठीक हूँ। ये मेरे को तो लगता है पॉइजन से ही मरेगा, बट नहीं ब्रो तू ऐसा नहीं मरेगा, या किसी के सारे हाइपर पोशन ख़त्म हो गए। ओके कोई बात नहीं, चलो अभी हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, या फिर ये अगर ज़्यादातर स्टेडियम पे रहा तो ये पॉइजन से ही फेंट हो जाएगा। उसके पास एक ऑब्स्टेगून भी है, नाइस, ऑब्स्टेगून के सामने ऑब्स्टेगून रखूँ का मतलब रखता हूँ मैं, और आपको तो पता ही है ऑब्स्टेगून एक नॉर्मल प्लस डार्क टाइप पोकेमोन है, जो कि फाइटिंग टाइप्स के अगेन 4 times वीक है, सेम लेवल, ओ माई गॉड सही है। लेट्स सी किसका अटैक पहले मेरे ही पोकेमोन का पहला अटैक गिरेगा, तू सर्वाइव नहीं कर पाएगा, आई डोंट थिंक सो तू सर्वाइव कर पाएगा। और एक एचपी पे सर्वाइव कर गया, और कितनी बुरी बात है कि तूने एक चांस मिला था मेरे को मारने का, वो भी तूने मिस कर दिया। तो चलो हम लोग इसको डार्क पल्स ही हराएंगे, क्योंकि आई नो डार्क पल्स इसके सामने सुपर इफेक्टिव नहीं है, इसलिए हमने इसको यूज़ किया, क्योंकि सामने वाले को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए गाइस, भले वो जिम लीडर का पोकेमोन हो या फिर किसी चीज़ किसी और का। हमने पायर्स को हरा दिया है, माय टीम एंड आई डिड अवर बेस्ट, वी विल मीट टू बैटल अगेन समटाइम। ओके यार यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट नॉट मोर इनफ टू डिफीट मी। ओके पायर्स आई एम हैप्पी दैट वी आर एबल टू फाइट एंड इट सीम्स दैट माई पोकेमोन फील्स द सेम वे, हियर इज़ अवर डार्क टाइप बैज। ओके हमें आई गेस ये 7वां बैच था, एंड हमें पता ही है कि 8वां बैच किधर है, हैमरलॉक में जो जिम थी वही तो 8वां बैच है वहाँ पे। ओ मारनी भी आ गई, दैट वाज रियली काइंड ऑफ स्वीट, पायस बोल रही है, सो यू आर वाचिंग, माना माना इसको बोलता है, आई डोंट नो, यू वॉन्ट लर्न एनीथिंग बाय वॉचिंग मी लूज। मारनी बोल रही है, आई वॉज वॉचिंग यूर बैटल ब्रदर, ब्रदर एक मिनट, डोंट टेल मी कि पायर्स लड़का है, क्योंकि वो लड़की जैसा दिखता है, ठीक क्या ब्रदर, मेरे को कैसे मतलब मारनी का ब्रदर है ये। ओके कोई बात नहीं, हम लोगों को जज नहीं करना चाहिए दूसरे लोगों को, किसी ने मतलब किसी को भी जज करने का हमें ये नहीं है, अधिकार नहीं देता दिया है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, आई डोंट नो, दैट्स हाउ आई लर्न टू बैटल। ओके पायर्स बोल रहा है, आई गेस ये लड़का ही है, रियली दैट रिमाइंड्स मी मारनी, आई हैव समथिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू, आई वॉन्ट टू गिव यू ओवर द स्पाइक मोड जिम एज द जिम लीडर। ओके तो अब से मतलब मारनी जिम लीडर हो गई, मारनी यस आई नो यू वर प्लानिंग टू रिटायर आफ्टर द चैम्पियन कप राइड, आई थिंक यू रियली बिकम अ ग्रेट जिम लीडर, इवन इफ यू कांट यूज डायनामिक्स इन यूर पोकेमोन्स आई लव यू, बट माई आंसर इज बिग फैट वन नो। ओके आई मीन वेन आई बिकम द चैम्पियन आई कांट बी अ जिम लीडर। ओके मतलब मारनी को भी चैम्पियन बनना, ये सही है, गुड पॉइंट, इन दैट केस लेट योर ओल्डर ब्रदर सी इफ यू हैव एबिलिटी टू बिकम द चैम्पियन। हे ओमकार थैंक्स फॉर हैविंग एन अमेजिंग पोकेमोन बैटल विथ माई ब्रदर, बट माइंड टू बैटल। ओके
सो लेट्स गेट आउट लिटल। ओके, सही बात है, सही बात है। अरे हाँ, मेरा वो पोकेमोन अभी तक पॉइजन है, तो हम लोग यहाँ के नर्स जॉय से मिल लेते हैं। और हमारे कौन था वो, आई गेस पॉइजन हमारा वो था ना, ड्रेडनाउ। हाँ, तो उसको हील कर लेंगे। और इसी के साथ हमारे पास, आई गेस हमारे पास अभी सातवां बैच भी आ चुका है, आई होप सो। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ बैग में नहीं, यहाँ पे कार्ड पे। जी हाँ गाइस, हमारे पास सातवां बैच भी आ चुका है। तो अभी हमें बस अभी हमारे आई गेस वो हैमर लॉक में ही था आठवां जिम। तो हम लोग यहाँ पे वो कौवे के पास जाएंगे, या फिर कॉर्विनाइट जो भी बोल सकते हैं आप लोगों से, वहाँ से सीधा हैमर लॉक में टेलीपोर्ट हो जाएंगे। अरे यार, यहाँ से आई गेस यहाँ से जाने का रास्ता है। ओके, और चलो फिर हम लोग टेलीपोर्ट हो जाएंगे हैमर लॉक सिटी में। आई गेस हैमर लॉक ये होगा, नहीं ये था अलबर ही। ओके, हैमर लॉक ये रहा। तो हम लोगों को किससे बात करनी है, और ये लोग गाइस हम लोग हैमर लॉक में आ चुके हैं। तो ये क्या था, अच्छा ये तो गेम कॉर्नर था। नहीं, हम बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे, हम लोग नहीं आ सकते यहाँ पे। वी आर नॉट अलाउड टू एंटर द प्लेस। तो चलो यहाँ पे एक बार मैं गेम सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे सीधा जाके बैटल करेंगे। आई डोंट नो यहाँ पे अगर कुछ हुआ या गेम ग्लिच भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो मैंने गेम सेव कर लिया, तो अभी देखते हैं हम लोगों को कौन है। ये कौन है, ओमकार, डिड यू सी सोनिया? सोनिया तो ऊपर है, आप अंधे हो क्या? सोनिया बोलिए, वेल इफ़ यू आर नॉट ओमकार। अरे मेरे को बोल भी गई सोनिया। आई वुडेंट एक्सेप्ट एनी थिंग लेस फ्रॉम यू एंड योर चारिजार्ड लियोन। यू ड्रॉप दैट पोकेमोन डायनामैक्स इन नो टाइम। ओके लियोन, कभी, कौन सी बात कर रहे हैं लोग? आई गेस मेरे को रोड से आना था क्या, बट मैं टेलीपोर्टर से आ गया। आई डोंट नो यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, बट ठीक है। वेल आई एम द अनबेटेबल चैम्पियन आफ्टर ऑल, बट वॉट्स गोइंग ऑन हियर? सोनिया बोल रही है, अ रेड लाइट ओवर फ्लोइंग पोकेमोन डायनामैक्सिंग विदाउट अ पावर स्पॉट। आई एम नॉट श्योर वॉट्स गोइंग ऑन। दैट रेड लाइट कुड सडनली अपियर अगेन एट एनी मोमेंट एंड वी वुड गाइज, अगर सॉरी आपको ये आया रहेगा तो नोटिफिकेशन, तो सॉरी, बहुत सॉरी। कुड सडनली अपियर अगेन एट एनी मोमेंट, वी वुड हैव नो वे नोइंग। ओके, ये लड़की, हाँ, मिल गई प्रोफेसर अच्छा ये प्रोफेसर मंगोलिया थी, मैंने इसको पहचाना ही नहीं। ओके सॉरी गाइज, सॉरी। बट बींग एबल टू प्रेडिक्ट दीज थिंग्स इज़ पार्ट ऑफ द साइंटिस्ट जॉब। ओके, सोनिया बोल रही है, ग्रैंड मा प्रोफेसर मंगोलिया, द प्रेजिडेंट कॉल मी, ही वॉन्टेड टू नो एवरीथिंग अबाउट अवर द रिलेशनशिप बिटवीन द रेड लाइट एंड द लियोन। ओके, क्या ये ग्लिच हो गया यार, कुछ समझता नहीं है इससे। एक मिनट, गेम ग्लिच हो गया? नहीं, मैं गलत, गेम ग्लिच नहीं हुआ, वो बहुत टाइम तक कुछ आ ही नहीं रहा था। ओके, द प्रेजिडेंट कॉल मी, ही वॉन्टेड टू नो एवरीथिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन रेड लाइट एंड द लियोन। अरे यार ये फिर से, गेम ग्लिच नहीं हुआ है गाइस, डोंट यू वरी अबाउट दैट, गेम ग्लिच नहीं हुआ है, आई गेस सो। ओके, अभी लियोन का डायलॉग, डिड द प्रेसिडेंट नो ऑफ एनी थिंग? फिर से ये ग्लिच हो गया? नहीं, ग्लिच नहीं हुआ है, डोंट यू वरी अबाउट दैट गाइस, गेम ग्लिच नहीं हुआ है, बस थोड़े से डायलॉग्स में डिले हो रहा है, आई गेस सो। प्रोफेसर मंगोलिया बोल रही है, नथिंग वर्थ माई टाइम, द प्रेजिडेंट इज ऑल कंसर्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर एनर्जी, अपेरेंटली ही लेफ्ट एवरीथिंग टू द एग्जीक्यूटिव लेडी। ओके, वो रहेगी वो, उसका नाम क्या था, मैं भूल गया, ओलीना कुछ तो नाम था उसका आई गेस। वी जस्ट डोंट हैव इनफ डेटा, दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू आस्क यू टू स्टार्ट रिसर्चिंग थिंग्स टू। सोनिया, यू नो मोर देन एनी वन अबाउट द डार्केस्ट डे आफ्टर ऑल, नेचुरली। ओके, आर यू सेइंग दैट द रेड लाइट एंड द डार्केस्ट डे आर कनेक्टेड? वो बोल रहा है, हे डू यू थिंक वी कैन डू समथिंग टू हेल्प देम? ओके, हम लोग कर सकते हैं, और हमें काम ही क्या है। लियोन बोल रहा है, लो होप का भाई, थैंक यू, आई अप्रिशिएट द आइडिया, बट ऑल आई कुड आस्क यू टू डू वुड बी जॉइन विथ मी, ओके, इन द बिगेस्ट फाइनल ऑफ ऑल टाइम। आई विल डू माई पार्ट टू मेक दैट हैपन, कीप्स एवरी वंस फ्यूचर सेफ, सो यू जस्ट कीप डूइंग द योर पार्ट बाई विनिंग द जिम चैलेंज। हाँ बोल रहे हैं, राइट ऑफ कोर्स, यू आर हियर इंस्टेबल चैम्पियन। अरे यार ये ग्लिच क्यों हो जाते हो, अच्छी स्टोरी चल रही थी बट ये ग्लिच की वजह से पूरा हो गया। सोनिया बोल रही है, ग्रैंड मा देर इज समथिंग आई वॉन्टेड टू इन्वेस्टिगेट यू, यू विल ही लियोन। अरे यार फिर से ग्लिच हो गया। इट सीम्स दैट वी ऑल नो वॉट वी नीड टू डू। ओके, सो यू टू फिनिश द जिम चैलेंज सो वी कैन मीट अगेन एट द चैम्पियंस कप। ओके, ये हमारा आखिरी जिम मैच होने वाला है, तो हम लोग इसको अभी हराएंगे और फिर चैम्पियंस के कप पे मिलेंगे। फिर ये जो रेड लाइट और डार्केस्ट डे का कनेक्शन थ्योरी है उसके ऊपर बात करेंगे, ऐसा बोल के चले गए वो लोग। हाँ बोल रहा है, नो वॉट आई नीड टू डू, राइट, डिफीट द पायर्स वंस एंड फॉर ऑल। ओके, पायर्स को तो अभी हम लोग हरा के आ गए। आर यू गोइंग टू हैमरलॉक स्टेडियम? यस ओमकार,
रिहान इज टफ नॉट क्रैको के। मेरे पोकेमोन हील तो है ना, क्योंकि आई गेस अगर हम लोग आज के एपिसोड में दोनों को हरा देंगे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चलो हम लोग रेडी है आई गेस। सो यहाँ पे मैं एक बार गेम सेव कर लेता हूँ, आई डोंट वांट कि मेरा गेम ग्लिच हो जाए और मैं बहुत पीछे टेलीपोर्ट हो जाए, मतलब मेरे को गेम फिर रिटर्न आना पड़ता है ना जहाँ पे गेम सेव करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे गेम सेव तो कर ही लिया है और आज का अभी 15 मिनट का वीडियो हो चुका है। मैं किसी से बात तो नहीं करूँगा, एक बार इससे बात कर लेते हैं, थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी। वेलकम टू हैमरलॉक जिम, हियर यू फेस द चोजन वन ऑफ द ड्रैगन रिहान, एक ही तो है ऑप्शन। ओके, यहाँ पे जो पुलिस वाला था वो भी हट चुका है, तो हम लोग ट्राई करेंगे इसको डिफीट करने का। यहाँ से हम लोग कोपचे से जाएंगे। ओके, ये देख लिया अपने को, आई रिप्रेजेंट रिहान, आ जा फिर ब्रो। एंड हाँ, ये बैटल मैं स्किप भी कर सकता हूँ आई गेस। ओके, तो गाइस मैंने भी ये बैटल स्किप कर दी और इस बैटल के साथ साथ हमारे सारे पोकेमोन 47 के हो चुके हैं। यू क्रश्ड मी, ओके इससे और क्या ही मतलब, आप मेरे से क्या एक्सेप्ट करोगे अंकल। मैं अभी, अरे यार यहाँ पे एक और बैटल है। ओके, आई डोंट नो कितने बैटल होंगे, आई रिप्रेजेंट रिहान, यूजुअली 3 होते हैं, तो ठीक है चलो इसको भी मैं स्किप कर दूंगा। ओके, तो गाइज एज ऑलवेज हमने इसको भी हरा दिया और इसको भी क्रश कर दिया, ऐसे बोल सकते हो आप लोग। यहाँ पे एक और हो सकता है, ओके ये फाइनल वाला था, इसको हराएंगे तो सीधा हम लोग वो जो भी था रिहान को बैटल कर सकते हैं, तो चलो इसके साथ भी बैटल कर लेते हैं। ओके गाइज हमने इसको भी हरा दिया और इसके बाद अभी हम लोग सीधा रिहान के साथ बैटल करने के लिए जाएंगे। लेकिन एक काम कर लेता हूँ, मेरे पोकेमोन अभी हील भी नहीं है, तो मैं वेट करूँ, मैं यहाँ पे फट से आपको पोकेमोन हील करके मिलता हूँ। ओके गाइज हम लोगों ने पोकेमोन हील करके आ चुके हैं, एज वेल एज मैं क्या सोच रहा हूँ, ये आई गेस मैंने अब तक इन लोगों से मतलब ये तीनों के पास एक दो दो पोकेमोन थे और वो सारे के सारे ड्रैगन टाइप पोकेमोन्स थे, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि रिहान भी एक ड्रैगन टाइप जिम लीडर हो सकता है आई गेस। सो तो मैं आइस बीम TM खरीद के लाया हूँ, बट उसको सिखाऊं किसे, क्योंकि ऑब्स्टेगून को तो नहीं सिखा सकता, वो एक फिजिकल अटैकर पोकेमोन है और ड्रेडनाउ भी एक फिजिकल अटैकर पोकेमोन है, बट मैं मेरी एक बोलते हैं ना एक अंदर की शंका को दूर करने के लिए मैं ड्रेडनाउ को सिखा देता हूँ, बट कौन सा अटैक हटाऊँ यार, क्रंच भी काफ़ी अच्छा है। छोड़ो, हम लोगों को आई गेस हम लोगों को यहाँ पर उसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली, तो मैं नहीं सिखाने वाला। अगर हम लोग हार गए ये मैच तो फिर आगे जाके हम लोग सिखा सकते हैं किसी को, कुछ ना कुछ तो मैं चेंज कर ही लूँगा फ़िलहाल तो, बट फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे एक बार गेम सेव कर लेते हैं और चलो अंदर जाके देखते हैं क्या होता है, रियान के साथ बैटल करेंगे। ओके, यहाँ पे भी कोई मेरा जान पहचान वाला तो नहीं है, ये लड़की वैसे काफ़ी खूबसूरत है, बट ठीक है चलो अभी रियान के साथ बैटल करेंगे। बात ही नहीं कर रहा है मेरे से, ये गेम पुरानी है क्या, एक मिनट, हेलो बात ही नहीं कर रहा है रिहान मेरे से, ये कैसे हो सकता है, ये गेम कंप्लीट नहीं है आई गेस। सो मतलब इतना पचका हो गया मेरा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ करूँगा, फिलहाल तो हम लोग यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ओके, तो गाइज हम लोग हमारा फ्लाइंग राइजिन यूज़ करके यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन मेरे को नहीं, आंटी हटो ना, अरे हटो बात कर रहा हूँ मैं, तो हम लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुके हैं एंड मेरे को पता नहीं यहाँ पे आखिरी वाला बंदा हमसे बातें नहीं करता, वो जो भी रिहान है, आई गेस ये गेम इनकम्प्लीट है, तो मैं कुछ ट्राई करता हूँ, प्रबंध करता हूँ, आप मत डरिए इसके लिए, बस आप लोग वेट करो मेरा नेक्स्ट एपिसोड में। हम लोग मेरे को कमेंट में एक तो बता देना कि मेरे को क्या इसके ऊपर सोल्यूशन निकालना चाहिए, आप लोगों के पास अगर कुछ टिप्स है ट्रिक्स है तो बता दो प्लीज़, बहुत भला हो जाएगा आपका, और क्या बोल सकता हूँ मैं। तो चलो आई गेस आज का एपिसोड मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, नहीं आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले पोकेफेस के बारे में बात ही नहीं किया मैंने यार, भूल ही गया बात करना, चलो अभी कर लेते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं लास्ट पोकेफेस के विनर्स के बारे में और आज के पोकेफेस के क्वेश्चन के बारे में। तो गाइस लास्ट पोकेफेस के विनर्स है मयंक ओलियान, ऋषि शाह, अजीत पाउडल, सूरत तिवारी और पहली बार बने राडार्क गेमिंग, मैंने आई गेस स्टार्टिंग में गलत स्पेलिंग स्पेल किया तो सॉरी, राडार गेमिंग ब्रो। तो चलो अभी बात कर लेते हैं आज के पोकेक्विज के क्वेश्चन के बारे में, लेकिन इस क्वेश्चन के पूछने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को इसका आंसर एक ही बार कमेंट करना है, एक से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो भी आपका आंसर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, एज वेल एज अगर आपने कमेंट को एडिट किया तो भले आपकी गलत स्पेलिंग हो चलेगा, स्पेलिंग गलत होगी तो चल जाएगा एक बार के लिए,
बट अगर आपकी कमेंट के सामने डेटेड लिख के आएगा तो वो कमेंट डिस्क्वालीफाई हो जाती है। ये मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट एपिसोड कल मतलब कल वाले वीडियो में भी आप लोगों ने बहुत सारे एडिट किए थे, तो आपको मैं बता देता हूँ इतना। तो चलो आज का पोकेविज का क्वेश्चन ये है कि ये पोकेमोन कौन सा है, आपको बस गैस करना है ये कौन सा पोकेमोन है। अगर आपने इस पोकेमोन को सही गैस किया टॉप 5 में तो आपका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा, फीचर करूँगा और क्या। तो आई गेस आपको आज की वीडियो पसंद आया, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।